नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। 2016 में जब चुनाव से एन पहले यादव परिवार में घमासान मचा था तो ये झगड़ा घर से निकलकर सड़क पर आ गया था। इसके बाद लंबे वक्त तक चाचा और भतीजे में मनमुटाव जारी रहा, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले यादव परिवार में एकता दिखी। अखिलेश शिवपाल साथ दिखाई दिए और साथ चुनाव भी लड़े। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में दरार दिखने लगी। एसपी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर शिवपाल यादव ने भी नाराजगी जताई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने चुनाव में शिवपाल यादव का इस्तेमाल किया। यादव वोट के लिए परिवार की एकता का ड्रामा उन्होंने किया। अलग चुनाव लड़ने पर वोट बंटने का उन्हें डर था। गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे शिवपाल, बड़ा सवाल है। शिवपाल पर फोड़ा जाएगा हार का ठीकरा। एक रिपोर्ट, फिर इसके बाद चर्चा। यादव परिवार के जिस लड़ाई में 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, वो साल 2022 आते आते खत्म हो गई थी। चुनाव तक तो अखिलेश और शिवपाल साथ नजर आ जाते थे, यहां तक कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव ने एसपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव में हार मिलने के बाद चाचा भतीजे के बीच ये झगड़ा फिर सतह पर आ गया और इसकी शुरुआत हुई एसपी की बैठक से। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया ही नहीं गया, जबकि शिवपाल यादव को भी उम्मीद थी कि उन्हें बैठक में बुलाया जाएगा। अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। वैसे तो शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है और ये बैठक समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि शिवपाल यादव एसपी के सिंबल पर ही चुनाव जीते हैं, ऐसे में उनको भी इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी ने जो तर्क दिया वो किसी के गले से नहीं उतर रहा। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है और विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और सहयोगी दल के माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। वो हमारे सभी सहयोगी दल के नेता माननीय विधायक 28 तारीख को उपस्थित होंगे। शिवपाल को एसपी की बैठक में ना बुलाया जाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिश्तों की ये दूरी केवल चुनाव की वजह से कम हुई थी और अब चुनाव खत्म हुए, ऐसे में अखिलेश और शिवपाल के बीच फिर से दूरियां बढ़ गई हैं। सवाल तो ये भी है, क्या चुनाव में यादव लैंड से केवल वोट बटोरने के लिए परिवार में एकता दिखाई गई थी। हालांकि अब शिवपाल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।